नमस्कार, आई एम डॉक्टर रामदास, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, लखनऊ। आज हम बात करेंगे सोशल चेंज की, यानी सामाजिक परिवर्तन क्या होता है और शिक्षा किस तरह से सामाजिक परिवर्तन लाती है। तो सामाजिक परिवर्तन, या कह लीजिए कि परिवर्तन, समाज में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। परिवर्तन प्रकृति का एक ऐसा नियम है, एक निश्चित नियम है, जो समय समय पर होता ही रहता है, उसको किसी भी तरह से टाला नहीं जा सकता। सामाजिक परिवर्तन के बारे में कई विद्वानों ने या कई शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित किया है। पहली परिभाषा कुप्पू स्वामी ने कही है, उन्होंने कहा है कि सोशल चेंज इज सम चेंज ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी सामाजिक व्यवहार में जिस तरह से परिवर्तन होता है उसको हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं, या सामाजिक परिवर्तन के दायरे में रखा जा सकता है। दूसरी चीज, उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर की बात करी है, या सामाजिक संरचना की बात करी है। सामाजिक संरचना में जब परिवर्तन होता है उसको भी उन्होंने सामाजिक परिवर्तन कहा है, या सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में रखा है। तो इस तरह से देखें, अगर इनकी परिभाषा का अवलोकन करें, इनकी परिभाषा को हम देखें, तो हम पाते हैं कि जब सामाजिक व्यवहार में, या सामाजिक स्ट्रक्चर में, या सामाजिक जो संरचना है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, या किसी भी प्रकार का बदलाव होता है, तो उसे हम लोग सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं, या सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। दूसरी परिभाषा जॉनसन महोदय ने कही है, उन्होंने कहा कि सोशल चेंज मीन्स चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। इसी से मिलती जुलती परिभाषा इन्होंने भी दी है कि जब सामाजिक संरचना में बदलाव होता है, या सामाजिक संरचना में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन होता है, तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो इनकी परिभाषा में भी, जॉनसन की परिभाषा में भी देखने को मिलता है कि सामाजिक संरचना में अगर बदलाव होता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। तीसरे जो हमारे विद्वान हैं, या कह लीजिए कि तीसरे जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, वो स्पेंसर हैं। स्पेंसर का मानना है कि सोशल चेंज इन सोशल इवेल्युएशन इवोल्यूशन, यानी सामाजिक परिवर्तन हर तरह से, हर दशा में होना ही है, या सामाजिक परिवर्तन को हर प्रकार से एक क्रांति के रूप में, या एक विकास के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया इसको माना जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं, कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे, कि इन चीजों के बारे में हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन होता है, या ये चीजें अगर कहीं पर मिलती हैं तो इनको हम सामाजिक परिवर्तन के दायरे में रखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, चेंज इन सोशल, यानी जो सामाजिक परिवर्तन होगा वह हमारा समाज में ही होगा। समाज के इतर सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यानी समाज में जब तक हमारे संबंध दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक नहीं होंगे, तब तक हम उस भीड़ को, या कह लीजिए उस ग्रुप को, हम समाज नहीं कह सकते। इसलिए जो परिवर्तन की दिशा है, या परिवर्तन का जो दायरा है, वो समाज में ही होगा। समाज से इतर हम सामाजिक परिवर्तन की संकल्पना या परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा सामाजिक परिवर्तन होता है वह यूनिवर्सल है, या सार्वभौमिक है। किसी एक क्षेत्र में, या किसी एक भाग में सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है, यह परिवर्तन सार्वभौमिक रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है और अमेरिका में नहीं हो रहा है, या अमेरिका में सामाजिक परिवर्तन हो रहा है और भारत में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी तरह से जैसे हम बात करें कि शहर में परिवर्तन हो रहा है, गांव में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इन दोनों चीजों में, या इन बातों में हो सकता है कि कहीं पर इसकी जो रफ्तार है, या इसकी जो गति है, वह थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन परिवर्तन हर जगह पर, हर एक जगह पर निश्चित रूप से होगा। तीसरा जो पॉइंट है, यह है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस माना गया है, या सोशल चेंज को कंटिन्यूअस प्रोसेस माना गया है, यानी सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी क्रिया है, या एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, भले ही उसमें उतार चढ़ाव हो, उसमें उसकी जो सीमा है वह कभी धीमी हो जाती है, या उसकी गति कभी धीमी हो जाती है, और कभी जो है उसकी गति तेज हो जाती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है सामाजिक परिवर्तन की, वो लगातार चलती रहती है, लगातार
परिवर्तन होता रहता है। दूसरी बात सामाजिक परिवर्तन के बारे में ये देखने को मिलती है कि यह एक अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है, या किसी भी संस्था में कोई परिवर्तन होता है या किसी भी समाज के रीति रिवाजों में कोई परिवर्तन होता है तो वह अस्थायी नहीं होता। समय के बदलाव के साथ साथ इसमें परिवर्तन होते जाते हैं और इसमें कोई स्थायीकरण नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाज का जो सामाजिक परिवर्तन है इसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, लगातार बदलाव होते रहते हैं, इसमें कोई जड़ता नहीं पाई जाती, या कह लीजिए कि किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती कि यहाँ पर आकर के हमारा सामाजिक परिवर्तन रुक जाएगा, इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि हम एक ऐसे समाज के नागरिक हैं या एक ऐसे समाज के प्राणी हैं जहाँ पर निरंतर चीज़ें बदलती रहती हैं और उन चीज़ों के साथ हमें अपने आप को बदलना होता है। तो इसी बदलाव को विद्वानों ने या शिक्षा शास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा दी है। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो जो हमारा सामाजिक परिवर्तन होता है वह किसी देश की या किसी जो है संस्कृति की जो परिस्थिति होती है या जो संस्कृत का जो पार्ट होता है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसको भी हम सामाजिक परिवर्तन के दायरे में रख सकते हैं। यानी कि जो हमारी भौतिक संस्कृति होती है, यानी हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे चलने का तरीका, बात करने का तरीका, या फिर पढ़ने का तरीका, ज्ञानार्जन का तरीका, वो सारी चीज़ें हमारे सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा बन जाती हैं। जब इन सारी चीज़ों में परिवर्तन होता है तब भी हमारे समाज के जो स्ट्रक्चर है या समाज की जो संकल्पना है, जो समाज का जो की जो क्रियाविधि है उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज में जो परिवर्तन की दिशा है या परिवर्तन की गति है वो लगातार चलती रहती है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बात बढ़ें तो सोशल चेंज इन मल्टी कैजुअल, यानी हर एक तरह से अगर हम देखें तो जो हमारा सामाजिक परिवर्तन है यहाँ कई सारी जो गतिविधियाँ उनमें समान तरीके से चलता रहता है और किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होता। जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो हर क्षेत्र में लगातार चलती रहती है। तो आज हम लोगों ने बात करी कि सामाजिक परिवर्तन क्या है और सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं कौन-कौन सी हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ एक नए मुद्दे पे या कुछ नए